नमस्कार किसान भाइयों, आरकी बुडस में आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा विषय है 200 बच्चों को पालने में कितना खर्चा आता है, कितना प्रॉफिट होती है, कितना लगत आती है, कितना दाना खा जाता है और हमको मुनाफा कितना होता है, और हमको मेडिसिन और क्या क्या चीज़ों में कितना खर्चा आता है, बिजली का खर्चा कितना आता है, यह सारी जानकारी आज आपको दूंगा। 200 बच्चों को पालने में कितना खर्चा आता है। इसके पहले हमने 100 बच्चों को पालने का खर्चा बताया हुआ था। यदि आप सोनाली पालते हैं या डीपी क्रॉस पालते हैं या और किसी प्रकार की ब्रीड पालते हैं तो 200 बच्चों को पालने में कितना क्या खर्च आता है, यह सारी जानकारी दूंगा। मैं यूट्यूबर भी हूं प्लस मुर्गी का पालन भी करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं बिना किसी तथ्य के आधार पर और आपको बढ़ा चढ़ा के दिखाऊँ। मैंने देखा यूट्यूब पर वीडियो डले हैं कि सरकार प्राइवेट 50,000 की नौकरी छोड़ 1,00,000 की नौकरी छोड़ कर मुर्गी पालन करने लगा और करोड़ों अरबों लाखों में खेलने लगा। फिर मैंने वीडियो देखा उसमें क्या 1,000 कड़कनाथ पालन कर लाखों रुपए कमा दिए। मतलब इस प्रकार की उसमें ऐसे ऐसे वीडियो डले हैं जो सत्य घटना और सत्य तथ्यों से आधारित नहीं है। क्योंकि यदि मुर्गी पालन करके लाखों लाखों रुपये कमा लेता आदमी तो सभी आदमी मुर्गी पालक नहीं बन जाते, करोड़पति नहीं बन जाते। कहने का तात्पर्य यह है मुर्गी पालने से प्रॉफिट होता है लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहिए। जितना प्रॉफिट हो उतना ही प्रॉफिट हो। 100 बच्चे में जितना प्रॉफिट होता था मैंने अनुमानित उतना प्रॉफिट बताया लगभग, और 200 बच्चों में जितना प्रॉफिट होगा अनुमानित उतना ही प्रॉफिट बताऊँगा। अब पता चला मेरे को बता रहा 200 बच्चों पालने में 12,000 से 13,000 का प्रॉफिट हो रहा हूँ और मैं बता दूँ 26,000 जब सब लोग मुर्गी पालने लगे बच्चे बेचने लगे। तो ये फालतू की चीज़ें और फालतू की अफवाह उसमें इस के चक्कर में ना पड़े। हमेशा 100 बच्चे 200 बच्चे 500 बच्चे पाल के मुर्गी पालना स्टार्ट करें। और जो भी नया मुर्गी पालक भाई है, जो किसान भाई है, मुर्गी पालना सीख रहा है या मुर्गी पालना चाहता है तो शुरुआत में 100 या 200 बच्चे मुर्गी पाल के देखे, उसको सारी जानकारी मिल जाएगी कौन सी बीमारी लगती है क्या होता है, उसके बाद पालना चालू करें। अब बात आती है 200 बच्चों को पालने में कितना खर्चा आता है। तो 200 बच्चों का रेट अगर बात करी जाए तो रेट चूजे का रेट हमेशा ऊपर नीचे और घटता बढ़ता रहता है। सोनाली हो डीपी हो, यदि डिमांड बढ़ जाती है तो रेट बढ़ जाता है, डिमांड घट जाती है तो रेट घट जाता है। तो वर्तमान में 25 रुपये मैंने चूजे का रेट आंका है, 200 बच्चे गुणत 25 तो ये 5,200 बच्चे हमको 5,000 के पड़ेंगे। उसके बाद वैक्सीन प्लस मेडिसिन का खर्चा और वैक्सीन कम से कम 350 रुपये की आ जाएगी 200 बच्चों की, तो उसका खर्चा अगर नापा जाए तो 1,200 रुपये का ये वैक्सीन और प्लस ये खर्चा मैंने आंका है। फीड कॉस्ट अगर नापा जाए तो हमारे इधर वर्तमान में कॉकरेल का स्टार्टर 1,800 रुपये है, उसका फीड कॉस्ट हमने नापा है। यह 200 बच्चा 3 किलो लगभग दाना खा जाएगा तो 12 बैग ये दाना खा जाएगा, तो 1,800 × 12 तो कितने का दाना खा जाएगा, 21,600 रुपये का यह दाना खा जाएगा। अब बात करते हैं बिजली का खर्चा, बिजली का खर्चा 600 रुपये। अब बात आती है टोटल खर्चा, टोटल खर्चा कैसे, चिक्स का खर्चा 5,000 रुपये, उसके बाद वैक्सीन प्लस मेडिसिन का खर्चा 1,200 रुपये, फीड काट 1,800 × 12 21,600, बिजली का खर्चा 600 रुपये, तो टोटल खर्चा 28,400 रुपये। इस प्रकार हमको 200 बच्चों को पालने में 28,400 रुपये का खर्चा आ जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट की, जिसकी मृत्यु दर 200 बच्चों पालने में लगभग 8 चिक्स की मृत्यु हो जाएगी कम से कम, तो बेचे गए बट का बॉडी वेट मैंने लगभग नापा है 180, एक एक केजी को हो जाएगा तो 180 केजी बॉडी वेट नापा है। और फुटकर रेट की बात करी जाए तो 220 से 230 तक चलता है। यदि आप फुटकर भेजेंगे तो बट 400-500 रुपये किलो भी बिक जाता है, यह क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है। 350-400 तो अमूमन बिक जाता है और आपके क्षेत्र के हिसाब से रहता है, कई जगह 500 को बिक जाता है, कई जगह 600 का ऐसा रहता है। तो हमें अनुमानित कीमत 180 × 230, तो टोटल जो बेचा हमारा 180 केजी 41,400 रुपये का टोटल कॉस्ट आई हमको 28,400 और हमारा बिका कितना 180 × 230 41,400 रुपये का, तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ, तो 41,400 माइनस हमको लगत कितनी आई थी 28,400, तो हमको 41,400 माइनस 28,400, तो जैसे ही हमने इसको माइनस किया तो हमको 13,000 का प्रॉफिट हुआ।
200 बच्चों पालने में हमको 13,000 का प्रॉफिट होगा। यह लगभग लगभग प्राइस है 12 से 13 या 14,000 का भी प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि जो रेट रखा है मैंने मिनिमम रखा है, किसी प्रकार का इसमें बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया गया है। हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल में सत्य घटनाओं पर आधारित वीडियो रहते हैं और जो प्रैक्टिकल मैं करता हूँ वही चीज़ आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको बता दूँ बढ़ा चढ़ा के, किसी प्रकार का वीडियो में मेरे वीडियो में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलेगी आपको। जो अच्छी अच्छी जानकारी रहती है वह बताता हूँ, ताकि ऐसा नहीं कि कोई भी मुर्गी पालना चाहता हो तो किसी प्रकार का प्रलोभन में या ऐसा वीडियो देखने में जो 20,000 या 25,000 की नौकरी कर रहा हो वैसा छोड़ के, 50,000 की नौकरी कर रहा हो वो छोड़ के मुर्गी पालने लगे। ऐसा हम किसी को गलत जानकारी नहीं देते भाई, मुर्गी पालना हो पाल सकता है। यदि आप 10,000-15,000, जैसे कि मैं 15,000 का जॉब करता हूँ MPP में, प्लस उसके बाद में मुर्गी पालन मेरा पार्ट टाइम जॉब है, तो 15,000 मेरी इनकम वहाँ से होती है, जिससे मेरा घर खर्च आराम से चल जाता है। प्लस मैं मुर्गी पाल के किसी महीने, जैसे 2 महीने में इसमें कम से कम 230 बच्चे पाले हैं, तो इसमें DP क्रॉस में लगभग मेरे को 12 से 13,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रकार से मैं अपनी एक्स्ट्रा आमदनी कर देता हूँ और कुछ बच्चे सेल कर देता हूँ, उससे मेरी इनकम हो जाती है। इस प्रकार हम अपनी आमदनी का खर्चा आमदनी बढ़ा सकते हैं। रातों रात करोड़पति मुर्गी पालन करके रातों रात करोड़पति लखपति नहीं बना जाता। ये घटना, मतलब ये चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि सच्चा वीडियो रहे, ऐसा नहीं रहे कि मतलब कुछ भी और कुछ भी बना दो। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो RK Breeders चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।